थोड़े टाइम में शुरू करेंगे प्रो कर रहे होंगे कल पे चीजें डाल रहे होंगे कि आज नहीं यार, कल से चालू करेंगे कल से अपनी बच्चों की तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं बिकॉज इलेवन स्टैंडर्ड में जो चेकिंग होती है हर स्कूल में अगर मैं बात करूं मैं अपने से अपने स्कूल की भी बात कर रही हूँ चेकिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और स्टैंडर्ड में आपका एक बेस बिल्डअप होता है ट्वेल्थ

थ का जो बिलीवर्स बैच है ये चालू हो चुका है 2023 और 2024 के सेशन के लिए और इस बिलीवर्स बैच में आप लोगों को सीयू टी लेवल की क्लासेस भी दी जा रही हैं अलोंग विद योर कॉमर्स सब्जेक्ट्स तो आपके कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी बीएसटी इन पांच सब्जेक्ट्स को तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है अलोंग विद दैट लेवल की क्लासेस लास्ट ईयर का बिलीवर्स बैच प्लस लाइव सेशन जूम सेमिनार्स आपके टीचर्स जहां पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और सुपर फाइव हंड्रेड क्वेश्चन का पीडीएफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और बच्चों यहीं पर तारीफ खत्म नहीं होती है इस कोर्स के अंदर आपके टीचर्स आप लोगों के लिए टीचर स्लाइड्स जो होंगे जिनपे हम पढ़ाएंगे अनोटेड स्लाइड्स वो प्रोवाइड करेंगे

जितना ज्यादा जल्दी आप कोर्स में अपना एडमिशन करा लेंगे उतनी कम चीजें आपकी मिस होंगी तो फटाफट से आ जाइए और जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो हमारा कॉलिंग नंबर है प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी है अगर आपको टेक्स्ट करना है और ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में और हमारे पिंड कमेंट में आपको मिलेंगी अब मैं इस बात पे आ जाती हूं कि हमको अपनी ग्यारहवीं कक्षा को चालू कैसे करना है वॉट ऑल स्टेप्स डू वी हैव टू टेक अब बच्चों देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे पांच सब्जेक्ट की जो कि हमको पढ़ने हैं सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है ऑल राइट right. सबसे पहला हमारा है इंग्लिश इंग्लिश के अंदर आप सभी को पता है कि हमारी ग्रामर होती है राइटिंग सेक्शन होता है लिटरेचर होती है ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव टू कवर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बर्डन ज्यादा नहीं होता है हम लोगों पर मैक्सिमम बच्चे एग्जाम टाइम पे इंग्लिश को पढ़ते हैं बट हाँ यार मैं यही बोलूंगी कि हफ्ते में एटलीस्ट वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम आप इंग्लिश को दे सकते हो इंग्लिश के अंदर अगर आप अच्छे से चैप्टर्स को पढ़कर रखोगे थोड़ा बहुत ग्रामर प्रैक्टिस करते रहोगे थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए एग्जाम टाइम पे और भी चीजें आसान हो जाएंगी आई नो वी ऑल टेक दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी लाइटली दिस इज द हार्श ट्रूथ हार्श भी क्या ये बात छुपी नहीं है किसी से इंग्लिश को सब लोग लाइटली लेते हैं और बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और फिर एकदम एंड में बैठने पर

इट इज नॉट इजी ऑल्सो अच्छा खासा लेवल का मैथ्स है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी प्रैक्टिस कम है इसी वजह से मैं आपको बोलूंगी बहुत से ऐसे सेम टॉपिक्स होते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ की मैथ्स काफी ज्यादा जुड़ी है तो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आपको कोशिश ये करनी है कि आप मैथ्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो और मैं एक चीज जो अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि बच्चों मैथ्स के लिए डिवोट एन आर और टू एवरी डे Every single day you should do maths for one hour or one and a half hour or two hours. Depend करता है कि आप के लिए वो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा हार्ड है या ज्यादा easy है तो जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है कॉमर्स के साथ उनको तो मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करनी ही चाहिए मिनिमम यार अगर आप किसी दिन बिल्कुल ही मैथ्स को टाइम नहीं दे पा रहे बट स्टिल गिव इट हाफ एन आवर जब आप थोड़े अपने फॉर्मुलेस रिवाइज कर लो फॉर्मलेज की तो मैं कहती हूँ यार एक पूरी लिस्ट बना के रख लिया करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दो एक्सरसाइज कोई भी उठा के प्रैक्टिस कर लो एनसीआर की तो दैट इज ऑल्सो इनफ बट डू इट ऑन अ डेली बेसिस मेक इट अ हैबिट टू डू मैथमेटिक्स ऑन अ डेली बेसिस मैं सही में बता रही हूँ अगर ये चीज आप करोगे ना एंड में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है ट्रस्ट मी ऑन दिस

बहुत ज्यादा हमें उसको समझने की जरूरत है मैं यही बोलूंगी कि इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ोगे जिसमें माइक्रो मैक्रो इंडियन इको स्टैटिस्टिक्स सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल और एक तरीके से अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो थ्योरी भी हम लोग लिख सकते हैं इट इज दैट सिंपल तो इको की पूरी कहानी समझने पर डिपेंड करती है चीजें समझ में आ रही हैं कुछ भी कर सकते हो आप ठीक है तो वैसे समझना है मैं ही पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स तो टेंशन की बात नहीं है फिर है बी एस टी बी एस टी थोरेटिकल पूरा का पूरा है जहां पर आप बिजनेसिस के बारे में पढ़ते हो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसिस कंपनीज हाउ द बिजनेसेस Uh, मतलब बिजनेसे चलाए कैसे जाते हैं हाउ दे आर वर्किंग सो ऑल ऑफ दैट यूल अ थियोटिकल सब्जेक्ट बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप अगर आप आप पढ़ो आपकी इमेजिनेशन पार्ट स्ट्रॉंग है तो बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली देन अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी आता है के अंदर सारा थोड़ा मतलब अकाउंटेंसी तो पूरा प्रैक्टिकल है तो so अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करे जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं ठीक है सो so यहाँ पर एक चीज जो हमको समझ में आई है इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल पोर्शन जिनमें नहीं है प्रैक्टिकल ज्यादा है और बी एस टी इंग्लिश है ना बी एस टी और इंग्लिश ऐसे है जिसमें थ्योरी है और इंग्लिश को हम वीकेंड्स पे पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत तो बी एस टी सब्जेक्ट है जो काफी थ्योरेटिकल है बाकी सब प्रैक्टिकल वर्क आपके लिए आ रहा है सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली प्रैक्टिकल जो चीजें होती है ना वो ज्यादा आसानी से आप लोग कर सकते हो और उसको करने में आप ज्यादा टाइम भी डिवोट करो तो मजा भी आता है ठीक है तो ये तो बात एकदम क्लियर हो गई है अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जैसे अब आप स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हो चालू कर रहे हो तो इन टिप्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी इलेवंथ क्लास को चालू करोगे तो मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहली टिप है प्रिपेयर अ शेड्यूल बच्चों आपने ये चीज ना हर किसी से सुनी होगी मेरी मम्मी भी मुझे बार बार बोलती रहती थी और उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं होता था कि वो सही में कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बात बोल रही है खुद की लाइफ में मैं चीज देखती कि अगर अगले दिन को पहले से मैं प्लान करती हूँ एक दिन पहले कि मंडे को मैं क्या करने वाली हूँ अगर मैं संडे को ये चीज प्लान करके अपनी नोट्स ऐप में लिख लूं, कि यार मुझे ये चीज करनी आई आई हैव डे देन एम एबल टू परफॉर्म अ लॉट बेटर देन ऑन द डेज दैट आई हैव नॉट प्लान तो उस दिन मैं काफी अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ सिमिलर केस है चाहे कोई भी फील्ड हो यार अभी तो मैं नौकरी कर रही हूँ लेकिन अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूँ तो उसमें भी अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे ऑब्वियसली एवरी प्लान इज नॉट 100% सक्सेसफुल लेकिन अगले दिन को एक दिन पहले ही प्लान करके चलो कि यार मेरे को स्कूल इतने इतने बजे तक जाना है खाना खाने में इतना टाइम जाएगा अगर कोई क्लास अटेंड करनी है कोचिंग है जो भी उसमें इतना टाइम जाएगा प्लस बचता मेरे पास इतना टाइम है और उसमें मुझे पढ़ाई करनी है क्या पढ़ाई करनी है कितने टॉपिक्स कवर करने हैं कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं अगर आप ये पहले से ही एक दिन पहले प्लान कर लेंगे तो भाई मैं सही में बता रही हूँ आप लोग मजे करोगे लाइफ में ठीक है सो प्लान योर शेड्यूल एंड इट विल डिफर मतलब मैं यहाँ पर आपको एक शेड्यूल बता दू उसके हिसाब से आप नहीं चल पाओगे हर किसी का टाइम वो कैसे यूज करते हैं उनका घर में क्या हो रहा है क्या है तो सबका टाइम अलग होता है सबका एक पढ़ने का तरीका अपना होता है तो अगर आप खुद से अपना पर्सनल शेड्यूल बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी मच बेटर एंड अट हेल्पफुल एंड वॉट आई मेक फॉर यू इट इज बेटर कि आप एक पर्सनल अपना शेड्यूल प्लान करो और जो जो चीज जैसे मैंने शेड्यूल में लिखा कि यार मेरे को पांच से छह बजे मैथ्स पढ़नी है छह से सात बजे मेरे को अकाउंटेंसी का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है और जैसे जैसे मैंने सही में पांच बजे अगर लिखा था शेड्यूल में तो मैं पांच बजे मैथ्स की किताब बैठ गई तो मैं उस पर होगा फिर जो चीज़ है, से सात अकाउंट में टिक टिक मारती जाऊंगी और मतलब ये कंप्लीट हो गया कंप्लीट हो गया चलो आगे चलते हैं और पता है लिटरली जब आप अपनी उस लिस्ट को एंड ऑफ द डे देखोगे तो यू विल फील सो मच प्रोडक्टिव कि भाई मतलब मैंने एक चीज प्लान करी और उस प्लान के हिसाब से मैंने अपना पूरा दिन बताया है तो बहुत से से लोग डीमोटिवेट हो जाते आप इस चीज मोटिवेटेड भी रहोगे, ठीक है? So keep doing that. Next है यहाँ पर अब का क्या मतलब है? कि हमें खुद ऐसे रोटेट करना है घूमना है सर चक्कर खाने हैं, तो नहीं बच्चों का ये मतलब है कि आप लोगों को ना एक schedule नहीं follow करना ये नहीं कि हर दिन मैं बोलूं कि भाई पांच तो मैं छह से सात तो पढ़ूंगी तो, तो, मतलब तो चलो मैं आधा एक घंटा दे रही हूँ अकाउंट्स में हफ्ते के तीन दिन पढ़ रही हूँ फिर तीन दिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ और फिर क्या हो रहा है कि मैं सपोज फिर दो दिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी फिर मैंने बोला चलो यार अगले दिन मैं बी एस टी पढ़ूंगी ठीक है तो तीन दिन अकाउंट्स को दे दिए दो दिन इको को दे दिए फिर एक दिन बीएसटी को दे दिया मैथ्स में डेली कर ही रही हूं ठीक है फिर इंग्लिश मैंने थोड़ी पढ़ ली तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को रोटेट करते रहोगे और मैं यही बोलूंगी कि दिन में दो या तीन सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़ना यह मत करना कि आज ये मैं पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ डालूंगी या पढ़ डालूंगा नहीं यार दो सब्जेक्ट्स वैसे मोर देन इनफ हैं दिन के जो आपको करने चाहिए एक और उसमें भी कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल एक थियोरेटिकल

बात है हमारा दिमाग है हम मशीन नहीं है हम एक ह्यूमन बींग है तो दिमाग भी कुछ हद तक पढ़ाई कर सकता है उसको भी थोड़ा free mind आपको करना पड़ेगा, उसको भी भी थोड़ा थोड़ा फ्री माइंड आपको आपको करना करना पड़ेगा पड़ेगा रिलैक्स सो लिसन टू म्यूजिक गो फॉर अ वॉक गो टू प्ले सम स्पोर्ट विद योर फ्रेंड्स है ना तो डू समथिंग अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है थोड़ी देर पेंटिंग करो अगर आपको कोई आपको टीवी पे कोई शो देखना है वो शो देखिए आपको लिखना पसंद है तो आप लिखिए आपको गाने सुनना पसंद है तो वो कीजिए तो

न गो अबाउट इट ने स्मार्ट स्टडी करनी मतलब भाई चीजों को रट उससे तो कोई फ्यूचर में फायदा नहीं होगा रटना ना बहुत लिमिटेड टाइम तक ठीक लगता है कि अगले दिन आज हमने रट लिया, कल में लिखा है हुआ, और फिर भूल गए गई चीज लेकिन अगर आप अभी से ही एक सिस्टमेटिकली पढ़ाई अपनी चालू कर रहे हो तो डोंट मगअप थिंग्स डोंट डू रट्टाफिकेशन भाई अभी से पढ़ना है ना तो कॉन्सेप्ट को समझो

आता है कि भाई इसमें यही चीज है समझी होगी ना चीज तो पता होगा कि यही चीज है और इससे रिलेटेड कुछ है नंबर नम, मिलेंगे प्लस फिजिकल एक्टिविटी टू डी स्ट्रेस वही सब जो मैंने अभी आपको बताया तो आप लोग भाई थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपनी जो है मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा और अच्छे से फंक्शन करने और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए ओवरबर्डन मत करो स्ट्रेस मत लो फिजिकल एक्टिविटी करो पार्क में चले जाओ थोड़ी देर ताज़ी हवा लेकर आओ इनहेल करके आओ थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आओ रियली हेल्प्स इट रियली हेल्प्स और राइट सो आई होप दट डीज्स एव हेल्प बिलीवर्स बैच चालू हो चुका है क्लास इलेवेंथ कॉमर्स के लिए जहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के जो है वो सब पढ़ाए जा रहे हैं तो प्लीज आइए ज्वाइन कीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द क्लासेज थैंक यू सो मच गाइज तैयारी शुरू कर दीजिए टाइम अभी भी है अभी चालू ही हुई है क्लास इस हिसाब से चलोगे लिटरली मुझे थैंक यू बोलोगे बाद में चलो गाइज बायू